हाय एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है कांक्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बेसिक मेकअप प्रोडक्ट्स अंडर 500 रुपीज़। सो अगर आप बिगनर हैं और आप प्लानिंग कर रहे हैं मेकअप प्रोडक्ट्स परचेज करने की, वो भी अफोर्डेबल रेंज में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो बेस्ट हैं, जिनको आप आंख बंद करके परचेज कर सकते हैं और वो अंडर 500 रुपीज़ ही होंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपने इस मेकअप लुक पे वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ पर जाके ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करें। नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अगर आप बिगनर हैं तो आपको टोटल 12 ही बेसिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। सो सबसे पहले मैं आपको स्किन केयर के रिगार्डिंग भी बताऊंगी, बिकॉज मेकअप से पहले अपनी स्किन को प्रेप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको टोनर अप्लाई करना है, तो इसलिए आप टोनर को भी अपनी किट में ऐड कर सकते हैं। और मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का रोज़ ग्लो टोनर, एंड आप गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी स्किन को अच्छे से बैलेंस करके रखता है। देन इसके बाद मैं गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम यूज़ करती हूँ। सो आप कोई भी सीरम यूज़ कर सकते हैं जो अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखे, मॉइस्चराइज करके रखे, ताकि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करें वो केकी एंड फ्लेकी ना हो। देन इसके बाद आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली समर्स के लिए, बिकॉज जो मेकअप होता है वो बहुत ऑयली हो जाता है, तो इसलिए आप जेल भी अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर आपकी ऑयली स्किन है देन आप प्रेफर करें कि आप समर्स में मेकअप से पहले जेल अप्लाई करें। देन इसके बाद है पॉन्ड्स की लाइट मॉइस्चराइज़र, जो नॉन ऑयली क्रीम है और काफ़ी लाइट है, समर्स के लिए भी बेस्ट है ये वाली क्रीम। सो ये हर स्किन टाइप के साथ सूट करती है, अगर आपकी ऑयली है, ड्राई है, ये दोनों के साथ बेस्ट रहती है। सो फर्स्ट मेकअप प्रोडक्ट है प्राइमर, और ये है स्टे क्वर्की का फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल। सो अगर आपकी लाइक ड्राई स्किन है तो वो बेटर ऑयल फॉर्म में ही प्राइमर को यूज़ करें, उनकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी एंड जो उनका फाउंडेशन है वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। एंड देन इसके बाद मैं दूसरा प्राइमर शो कर रही हूँ, जो है स्विस ब्यूटी का ज़ीरो पोर्स पर्ल प्राइमर। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उनके लिए ये बेस्ट है, ये अच्छे से आपके जो पोर्स हैं उनको फिल कर देगा एंड जो आपका मेकअप है उसको भी लॉन्ग लास्टिंग बनाएगा एंड आपका जो मेकअप है वो ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा। देन इसके बाद है मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन, और इसका प्राइस लाइक 500 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है ये, और ये हर स्किन टोन पे सूट करता है, अगर आपकी ड्राई है या फिर आपकी ऑयली है, लगभग ये सबके ऊपर ही परफेक्टली ब्लेंड हो जाता है एंड ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। और हम सबको पता है कि मेबलिन फिट मी का जो फाउंडेशन है ये बेस्ट फाउंडेशन है। एंड अब ये पम्प की फॉर्म में आने लगा है, सो ईजी हो गया इसको कैरी करना एंड आप ईजिली जो प्रोडक्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो फाउंडेशन आप अपनी किट में रख सकते हैं वो है वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन। ये समर्स के लिए लाइक अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये बेस्ट है, बिकॉज ये थोड़ा ड्राई है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक है। एंड इस प्रोडक्ट में हमें स्पैचुला मिलता है जिसकी हेल्प से आप प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो ईजी टू कैरी है ये वाला प्रोडक्ट भी। फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ब्यूटी ब्लेंडर, ये भी आपको अपने किट में ज़रूर एड ऑन करना है। देन इसके बाद है कंसीलर, और स्विस ब्यूटी का जो कंसीलर है वो बेस्ट कंसीलर है। लाइक अगर आप मेबलिन का 500 रुपीज़ वाला फिट मी कंसीलर भी यूज़ करते हैं तो मुझे ये उसके कंपेयर में बेस्ट लगता है। सो आपको थोड़ी लो रेंज में आपको बेस्ट कंसीलर मिल रहा है, तो आपको 500 वाली रेंज में क्यों ही जाना है। तो एंड देन इसके बाद वेट एंड वाइल्ड का आप ये वाला कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद है एले गर्ल प्रो कंसीलर, सो अगर आपके डार्क सर्कल्स हैं तो आप ये भी अपने किट में एड ऑन कर सकते हैं। इसका प्राइस भी 500 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है, ये अच्छे से आपके जो डार्क सर्कल या पिगमेंटेशन है फेस पे उसको पूरी तरह से हाइड कर देता है। देन इसके बाद है ब्लू हेवन की आर्टिस्टो आईब्रो पेंसिल, जो 150 रुपीज़ के अराउंड पड़ती है, बजट फ्रेंडली भी है, और इसमें साथ में ये स्पूली भी प्रोवाइड करवाते हैं, सो इजी हो जाता है अपने आईब्रोज़ को ब्रश भी करना और उसको फिल करना। एंड जो प्रोडक्ट है वो इजी टू कैरी है, इजी है यूज़ करना। और जो ये शेड है ये है ब्राउन शेड, और इसमें 2 शेड्स आती हैं, एक ग्रे और एक ब्राउन।
देन है ये स्विस ब्यूटी की आईब्रो फिलर, और इसमें ये पैलेट है, इसमें 4 शेड्स दी हुई हैं। ये भी बेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें व्हाइट वाला जो है वो वैक्स दी हुई है, जिससे आप अपने आईब्रो को इजीली ब्रश कर सकते हैं। देन है पाउडर, जो ज़रूरी है अपने मेकअप को सेट करने के लिए, और ये है मेबलिन का फिट मी पाउडर, और ये काफ़ी बजट फ्रेंडली है, लाइक 160-170 के अराउंड ये आपको पड़ जाएगा। सो फाउंडेशन क्रीज ना हो समर्स में स्पेशली, आपको पाउडर भी बहुत ज़रूरी है अपने किट में ऐड ऑन करना। देन इसके बाद जो 500 की रेंज में आता है पाउडर, वो है फिटमी का दिस मेबलिन फिटमी मैटे प्लस पोरलेस पाउडर। ये भी बेस्ट पाउडर है इस रेंज में। देन इसके बाद आपको मस्कारा भी ऐड करना है। ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा। इसका प्राइस भी आपको 300 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएगा, और ये अच्छे से आपके लैशेस को कर्ल कर देता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये मस्कारा। सो ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा है। देन इसके बाद थोड़ा सा बजट के अप जाते हैं, तो ये आपको 500 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाएगा, मेबलिन का लैश सेंसेशनल मस्कारा। ये भी आपके लैशेस को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर्ल कर देता है। देन इसके बाद है आईलाइनर, और ये है मेबलिन का न्यूयॉर्क आईलाइनर, और ये जेल फॉर्म में आईलाइनर है। सो इसके साथ ये ब्रश भी देते हैं वो, एंड इजी टू अप्लाई है। आप काफ़ी इजीली विंग्ड आईलाइनर क्रिएट कर सकते हैं, और इसका रेंज भी 300 या 400 रुपीज़ के अराउंड पड़ जाता है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है काजल, एंड मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगी मेबलिन का कॉलोसल काजल, जो जेड ब्लैक होता है कलर में, एंड इसमें दो टाइप के आते हैं, एक नॉर्मल ब्लैक होता है और एक जेड ब्लैक होता है। सो आप अपने अकॉर्डिंग उसको परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है निका के 9 का ये आई शेडो पैलेट, जिसका प्राइस 350 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है। एंड ये आई शेडो पैलेट है पॉइजन एप्पल, और इसमें आपको कई सारे डिफरेंट शेड के आई शेडो पैलेट मिल जाएंगे, और ये बेस्ट है। लाइक अगर आपकी इसकी पिगमेंटेशन देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, एंड जो इनका ये ग्लिटर वाले जो आई शेडोज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। एंड मैंने सेम यही आई शेडो पैलेट यूज़ करके एक ब्राइडल मेकअप लुक क्रिएट किया है। सो अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, एंड आपको ऊपर भी उसका लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और इसका प्राइस भी आपको 300 या 400 रुपीज़ के अराउंड पड़ता है। एंड बिगनर के वजह से ये जो शेड्स हैं इसमें, ये परफेक्ट शेड्स हैं, लाइक आप डिफरेंट टाइप के न्यूड या फिर हर टाइप का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ करके, एंड इसकी जो पिगमेंटेशन है वो भी अच्छी है। बट जो निका के 9 का जो पैलेट है उसकी पिगमेंटेशन मुझे ज़्यादा लगी इसके कंपेयर में। नेक्स्ट है ये कलर बोर्ड का ब्यूटी ग्लेज्ड। सो जो मैंने दो आई शेडो पैलेट बताया उसमें लिमिटेड ही कलर्स थे। सो अगर आपको लाइक कलरफुल या बहुत सारे मेकअप लुक करना पसंद है और आपको अंडर 500 रुपीज़ में कोई आई शेडो पैलेट चाहिए, देन आप ये वाला आई शेडो पैलेट प्रेफर कर सकते हैं। ये मुझे मीशो से पड़ा है 350 रुपीज़ में, एंड इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस है कि किसी को कलरफुल मेकअप लुक पसंद है तो मैंने उनके लिए ये वाला आई शेडो पैलेट रिकमेंड किया है, या किसी को सिर्फ लिमिटेड सा आई मेकअप करना पसंद है देन उनके लिए मैंने जो पहले दो आई शेडो पैलेट किए थे वो आप परचेज कर सकते हैं। एंड इनका जो पिगमेंटेशन है इस वाले पैलेट का वो भी काफ़ी अच्छा है, लाइक जो ग्लिटर्स वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। सो मुझे ये पैलेट बहुत अच्छा लगा। देन इसके बाद आप ऐड कर सकते हैं ब्रशेस के सेट। सो ये ब्रशेस का सेट आपको 250 या 300 रुपीज़ के अराउंड अमेजोन से पड़ जाएगा। इसमें आपके आई मेकअप ब्रशेस सेट और आपके फेस ब्रशेस सेट सब इंक्लूडेड है। सो इससे आप अपना फुल मेकओवर कर सकते हैं, एंड मैं अपना सभी मेकअप इन्हीं ब्रशेस के ऐप से क्रिएट करती हूँ। देन है ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, जो काफ़ी पिगमेंटेड है, एंड इसका प्राइस सिर्फ 50 रुपीज़ है। देन ये है मेबलिन की लिपस्टिक, जो प्राइस आई थिंक 300 रुपीज़ के अराउंड है इसका प्राइस। एंड ये जो लिपस्टिक है ये काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, सो अगर आपको लिपस्टिक लगाना पसंद है तो उनके लिए ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। एंड मैं सभी प्रोडक्ट्स की डिटेल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं लिक्विड लिपस्टिक दिखा रही हूँ। सो अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक पसंद है देन आप वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, जो अंडर 500 रुपीज़ ही आपको पड़ेगी। देन लास्ट में अपने मेकअप को सेट करने के लिए आप वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस मैटे फिनिश सेटिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। सो ये थी वीडियो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, तो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।